हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले एपिसोड में अपन विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में जाना था। इस बार अपन विटामिन डी की अधिकता के बारे में जानेंगे, जिसको हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं या एक्सेस ऑफ विटामिन डी कहते हैं। उसके बारे में अपन जानेंगे कि विटामिन डी अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उससे शरीर को क्या नुकसान पहुँचता है। एक्चुअली विटामिन डी है वो एक फैट सोलबल विटामिन है, मतलब वसा के अंदर घुल जाती है और शरीर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, जैसे विटामिन ए डी ई के, और कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, पानी में घुलती हैं और पेशाब के साथ में निकल जाती हैं, उनकी एक्सेस नहीं होती है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल है, इसलिए वो लिवर और फैट में जम जाती है, उससे हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर तरह तरह के लक्षण आने लगते हैं। अपन सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी शरीर में आता कहाँ से है। तो विटामिन डी के दो ही सोर्स हैं। पहला सोर्स है बाहर से आना, जैसे खाने के साथ में विटामिन डी पहुंचता है, जैसे एग है, अंडा है, अंडा का पीला वाला भाग है, फोर्टिफाइड दूध है, नॉन वेज सोर्स है, मशरूम है, उससे विटामिन डी शरीर के लिए पहुंचता है। दूसरा सोर्स है शरीर खुद ही विटामिन डी बना लेता है, जैसे जो चमड़ी है अपनी, उसकी लेयर है हाइपोडर्मिस लेयर होती है, उसमें 7-हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का सब्सटेंस होता है, वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से मिलके खुद ही विटामिन डी थ्री बना लेता है, और वो विटामिन डी थ्री का हाइड्रोक्सीलेशन होता है लिवर में और किडनी में, और लास्ट में वो कैल्सिट्रॉल में सब्सटेंस में बदल जाता है। और फिर उसके बाद एक और तीसरा सोर्स है बाहर से, अपन दवाइयों के रूप में लेते हैं। एक्चुअली शरीर के लिए रोज़ाना 600 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है, पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, लेकिन बहुत सारी जो टेबलेट्स हैं उसमें 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट तक भी दवाइयाँ आती हैं। और ज़्यादातर जो विटामिन डी की कमी है वो 4 से 8 सप्ताह में ही पूरी हो जाती है, लेकिन लंबे टाइम तक मान लो कोई विटामिन डी की गोलियाँ खा रहा है, या कोई बाल नहीं झड़े उसके लिए खा रहा है, कोई बोन हेल्थ अच्छे के लिए खा रहा है, कोई इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए उसके लिए खा रहा है, और लंबे टाइम तक खाता रहता है, उसमें विटामिन डी एक्सेस होने के या विटामिन डी अधिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी है वो अगर मान लो एक्सेस हो जाती है, उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो शरीर के लिए क्या क्या नुकसान पहुँचता है। एक्चुअली विटामिन डी की खुद की वजह से तो कुछ नहीं होता, लेकिन विटामिन डी है उससे कैल्शियम का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। ज़्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ने से सबसे पहले मस्तिष्क को नुकसान होता है, उसमें मरीज का बेचैन होना, असहज होना, अर्ध बेहोशी में आना और फिर कोमा में पहुँच जाना। फिर उसके बाद पेट के अंदर विकार आता है, पेट के अंदर जैसे उल्टी होना, दस्त होना, जी मिचलाना और कब्ज का हो जाना। फिर उसके बाद गुर्दा पे परेशानी आती है, गुर्दा में ज़्यादा पेशाब जाना, गुर्दा की जगह पे दर्द होना और फिर पथरी ज़्यादा बनना। फिर उसके बाद हार्ट में परेशानी आती है कि हार्ट में अरिदमियाज डेवलप हो जाते हैं, जो हृदय की जो धड़कन है वो बदल जाती है या असंतुलित हो जाती है, तो उसको अरिदमिया कहते हैं, अरिदमिया डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद अपन जानते हैं कि कौन सी टेस्ट करें जिससे पता लग जाता है विटामिन डी की अधिकता तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले उसमें विटामिन डी का लेवल चेक करना है कि जो 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री है वो 100 नैनो ml पर लीटर से ज़्यादा तो नहीं हो गया है, और कैल्शियम का लेवल है वो 14 mg/dL से ज़्यादा तो नहीं हो गया। ऐसे कैल्शियम और मान लो विटामिन डी या दोनों अगर ज़्यादा हों तो उसका सस्पिशन या संदेह बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ECG है, तो उसमें कहीं कार्डियक चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई अरिथमियाज तो नहीं डेवलप हो रहा है, ऐसे विटामिन डी का पता लग जाता है। फिर उसके बाद अपन को देखना है कि मान लो जैसे उसको परेशानी है, परेशानी आ गई है, अधिकता हो गई है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री से पूछना है कि वो ज़्यादा विटामिन डी तो नहीं खा रहा है, तो तुरंत उसको दवाइयाँ बंद करनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी थ्री है वो दवाइयाँ बंद होनी है। फिर उसके बाद में आइसोटोनिक सेलाइन है, उसमें मरीज में जो डिहाइड्रेशन है उसको पूरा कर देता है। फिर उसके बाद में जो एक इम्पोर्टेंट दवाई होती है वो है कैल्सीटोनिन, वो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो 4 इंटरनेशनल यूनिट पर kg के हिसाब से मरीज को दी जाती है, और 6 से 12 घंटे में फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। फिर एक और दवाई होती है बाईफॉस्फेनेट, लेकिन जो विटामिन डी से इंड्यूस्ड हाइपर कैल्शीमिया होता है उसमें ये ज़्यादा असर नहीं करती है। हाइपर कैल्शीमिया बहुत कई कारणों से हो सकता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ना और कई कारणों से हो सकता है, उनको अपन अगले वीडियो में जानेंगे। इसमें कई बार स्टीरॉयड भी काम में लेते हैं, वो डिजीज़ किडनी से डिजीज हैं उनमें थोड़ा इफेक्टिव है, पर एस सच विटामिन डी की अधिकता में कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। और मान लो कभी कभी पेशेंट के किडनी में ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसको
डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की अधिकता में रीनल फेलियर बहुत ही रेयर है। तो ऐसे करके अपन ने विटामिन डी की अधिकता के बारे में जाना है। अपन अननेसेसरीली बिना वजह ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम की और विटामिन डी थ्री की गोली खाते रहेंगे तो शरीर के अंदर नुकसान पहुँचना कभी कभी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।